गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपको पता है कल एवरेज के बारे में हमने डिस्कस कराया था, आज एवरेज के बाद नंबर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के मैथ के टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, कई प्रकार के क्वेश्चंस में आपको नंबर्स से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं, जिनमें आपको एक नंबर सपोज करना होता है और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन आपको लगाना होता है उस क्वेश्चन में, जो भी करना होता है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। सपोज कुछ क्वेश्चंस में करवाऊंगा, देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये नंबर 3/4 ऑफ ए नंबर इज 16, व्हाट इज द नंबर देन, कि भाई एक नंबर का 3/4 जो है वो है 16, तो वो नंबर क्या है। तो यहां आपको क्या करना है, सपोज कीजिए नंबर, सपोज बोल दो या फिर बोल दो लेट द नंबर एक्स, हमको क्या गिवन है 3/4 ऑफ द नंबर जो गिवन है उस पे ध्यान दीजिए, हमको गिवन है 3/4 of the number is 16, 16 given है, then find the number, पता क्या करना है number, then the number, जो given है वो लिख लीजिए कि x suppose कर रखा है, x का 3/4, 16 given है ना, यहाँ से, जब ये 4 ऊपर जाएगा तो इसकी multiply में हो जाएगा, 3x is equal to 16 into 4, x is equal to 16 into 4, 64 by 3, तो नंबर हमने x माना था, means हमारा जो नंबर है वो 64 by 3, यहां से इस तरह से equations आ जाते हैं। कई अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स दे दी जाती है कि एक क्वेश्चन दे दिया कि हाफ ऑफ ए नंबर इज 15, फाइंड द नंबर, हमको दे दिया कि हाफ ऑफ ए नंबर इज 15, कि किसी नंबर का हाफ जो है 15 है, देन फाइंड द नंबर, नंबर का पता लगा, मींस x by 2 लीजिए, सपोज कीजिए लेट द नंबर इज x, गिवन क्या है हाफ ऑफ द नंबर इज 15, कंपेयर then find the number, then the number is, हमको given है x by 2 equal to 15, means x equal to 15 into 2, 30, देखिए जब दो numbers के बीच में equal का sign है, तो signs कैसे change होते हैं, जैसे x equal to 5 है, ये 5 plus है, ये मान 8 है, 8 को 5 प्लस 3 में लिख रहा हूं, आपको इस 3 को इधर लेके आना है, यहां भी ये 3 पॉजिटिव है ना, तो अगर इसको इस इक्वल के साइन से इस तरफ लाके लेके आते हो तो ये 3 माइनस का होगा, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा, इस तरह से नंबर चेंज होते हैं। अगर नेगेटिव है यानी ये लगा लो y माइनस 5 इक्वल टू 6, आपको गिवन है y माइनस 5 इक्वल टू 6, अगर आपको ये 5 उधर लेके जाना है, ये यहां पे नेगेटिव है 5 माइनस का है, तो y ये 6 प्लस 5 आपका रहेगा, यानी कि y इक्वल टू आपका 11 होगा। अगर डिवीजन में है आपको गिवन है y by 5 इक्वल टू 11, आपको अगर ऐसे गिवन है y by 5 इक्वल टू 11, अगर आपको ये 5 उधर लेके जाना है, यहां पे डिवीजन में है, अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हुआ y इक्वल टू 11 इनटू 5, यानी 55 ये हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि 6y इक्वल टू आपको गिवन है 18, 6y इक्वल टू 18 गिवन है, और अगर इसको 6 को आपको वहां लेके जाना है, मींस 6y मींस 6 इनटू 5 इक्वल टू 18 गिवन है ना, तो y जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो डिवीजन में हो जाएगी 16 by 6 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, इस तरह से ये साइन चेंज होते, तभी मैं कर रहा हूं x by 2 equal to 15 है ना,
तो यहाँ पे ये दो डिवीजन में है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो 15 into 2 हो जाएगा और आपकी वैल्यू 30 आ जाएगी। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, अगर आपका साइन पॉजिटिव है प्लस का है, जब ये इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का होके जाएगा। समझ में आया? जैसे x माइनस 3 इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू ये 5 माइनस का ना, तो प्लस का होके जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे 6 इंटू वाई मल्टीप्लाई में है, अगर ये इक्वल के साइन से उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में होगा, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में होगा। देखिए y by 5 डिवीजन में है, इक्वल का साइन है, अगर इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो y equal to 55 हो जाएगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको स्कोच करना आना जरूरी है कि कहां से स्कोच करें और क्या हमको गिवन है। जैसे कि अब आपको दे दे कि 3/4 ऑफ ए नंबर इज 11, फाइंड आउट द नंबर। 3/4 ऑफ ए नंबर इज 11, फाइंड द नंबर। तो सपोज कर दो वो नंबर जो हमको निकालना है उसको सपोज कर दो आप सिर्फ, तो सपोज नंबर एक्स आपने स्पोज कर लिया, बोलता है 3/4 हमको गिवन है 11, 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 11, देन एक्स क्या रहेगा आपका, ये यहां पे डिवीजन में है ना, अगर ये वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 11 इंटू 4 हो जाएगा और बाय में ये 3 हो जाएगा, ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू एक्स है, अगर यहां जाएगा तो नीचे आएगा, तो 44/3 आपका हो जाएगा। जो नंबर आपने सपोज करा x, ये वो नंबर आपका आ जाएगा 44/3। इस तरीके से ये सम निकालते हैं भाई। आपको आपको सिर्फ एक ही चीज इसमें आनी चाहिए कि किस चीज आपको गिवन क्या है और आपने क्या सपोज करना है और उसको उसका क्या रिलेशन दिया गया है। अगर वो रिलेशन आपको पता चला तो आपका सम आ जाएगा। जैसे 5 times of a number is 10, then what is the number? बोल दिया कि 5 times of a number is 10, then what is the number? 5 times, let the number, आप number ले लीजिए, आपने number ले लिया x, suppose कर दिया, इसने बोला कि 5 times अगर उस number का करते हैं तो 10 आता है, means 5x अगर आप करते हो तो 10 आता है, then what is the number? Number क्या है? x, means यहाँ से आपको x की value निकाल लेना, x is equal to 10, यहाँ भी ये multiply में है, यहाँ division में हो जाएगा 2, then x is equal to 2, तो वो जो number आपका है वो क्या है? 2। जैसे और दे दे कि when we add 12 in a number, we gain 17, then what is the number? कि जब हम एक नंबर के अंदर 12 जोड़ते हैं तो हमको 17 मिलता है, तो नंबर क्या है? स्टेटमेंट है कि व्हेन वी ऐड 17 इन ए नंबर, किसी नंबर के अंदर जब 17 जोड़ते हैं 12 जोड़ते हैं तो 17 मिलता है, तो लेट ऐसी द नंबर x मान लिया। व्हेन वी ऐड 12 इन ए नंबर, x में जब आप 12 जोड़ते हो, we get 17, हमको 17 मिलता है, then what is the number? x is equal to यहाँ प्लस में है ना, उधर जाएगा तो minus 17 minus 12 होगा तो 5 आएगा, then x is equal to 5, हमारा नंबर है 5, अगर 5 के अंदर 12 जोड़ोगे तो 17 मिलेगा। समझ में आया? जैसे कि आ जाए when we subtract 8 from a number we get 20, what is the number? कि जब किसी नंबर के अंदर से 8 घटा देते हैं, 8 को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको 20 यानी 20 मिलता है, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है? सॉरी, व्हेन वी सबस्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ए नंबर वी गेट 20, सपोज द नंबर इज x, व्हेन वी सबस्ट्रैक्ट 8 वी गेट 20, x इज इक्वल टू यहां माइनस में वहां प्लस में, 20 + 8 28 आ गया।
इस तरह के क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान देके इनको करना। स्टेटमेंट से ही सब निकलेगा। अगर स्टेटमेंट में आपको ये समझ आ रहा है कि आप निकालना जिस चीज को है वो पता चल रही है, जो गिवन है वो पता चल रहा है, सिर्फ आपको ऑपरेशन लगाना होगा, आपका सब निकल आएगा। थैंक यू।